ओशो, कौन से बाई साइड के रिकमेंडेशंस हैं आपके आपके रेडार पर? सबसे पहला जो बाय रिकमेंडेशन है वो ओएनजीसी का है। ओएनजीसी में देखें तो आवरली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड आज ओपनिंग भी बहुत स्ट्रांग हुई थी, बट ऑब्वियसली बिकॉज मार्केट थोड़ा टिमिड है, वीक है, इसके वजह से थोड़ा करेक्शन आया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी रिमेन पॉजिटिव रिमेन्ड है। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओएनजीसी में ये मूवमेंट इंटैक्ट रहे। नियर अबाउट 156 का अपसाइड में टारगेट है एंड जब तक नीचे 144 का सपोर्ट सस्टेन करता है तब तक हमारा इसमें बुलिश व्यू इंटैक्ट रहेगा एंड कुछ भी डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो कैश काउंटर है, बीएससी। बीएससी में बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा है आज। अगर हम देखें पिछले 2 दिनों में थोड़ा करेक्शन आया था बट आज जब मार्केट वीक था तो बीएससी में एक स्ट्रांग रैली देखने को मिली है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये रैली हो सकता है कंटिन्यू रहे आगे। अगर इसका जो स्विंग हाई है नियर अबाउट 624 का है वो इसका पहला टारगेट रहेगा, उसे ब्रीच किया तो 630 तक बीएससी में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 568 का है। एंड थर्ड काउंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था एयू बैंक में। सो एयू बैंक में अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट था एंड पिछले कुछ दिनों से ये वापस से उसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिकॉज बैंकिंग में अभी भी एक पॉजिटिव व्यू इंटैक्ट है। सो एयू बैंक में माइट भी यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए हमें। अपसाइड में नियर अबाउट 700 का टारगेट रहेगा एंड डाउन साइड में जब तक जो प्रीवियस ब्रेकआउट था 650 के पास जब तक उसको इंटैक्ट रखता है तब तक हमारा व्यू एयू बैंक में भी पॉजिटिव ही है, बाइंग की ही सलाह रहेगी। तो चलिए, ये सारे स्टॉक कॉल्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पीएससी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त ओशो के रेडार पर 624-630 के टारगेट्स भी ऐसी पर ओशो से जाकर चल रहे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर नजर हैं। इन पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन राजेश जी आप बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? तो तीन स्टॉक्स हैं, तीनों बाय साइड के। पहला स्टॉक तो शुगर सेक्टर से है। शुगर स्पेस में आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। बलरामपुर चीनी में देखे तो आज काफी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे। वीकली डेली चार्ट पे स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आज आते हुए दिखा है, तो बलरामपुर चीनी पे बाय करने की सलाह है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट 415 तक आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 390 का। दूसरा स्टॉक है रेमंड का। रेमंड में देखें तो जिस तरीके से मोमेंटम बना है और स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। अगर वीकली बेसिस पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 10% के गेन स्टॉक ने ये करंट वीक में यहाँ पे दिखाए, तो जो एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बना हुआ है हमें लगता है रेमंड में यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो रेमंड पे बाय करने की सलाह है। 1660 1670 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1590 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है कल्याण ज्वेलर्स। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक अच्छे मोमेंट के बाद वापस से स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, वीकली चार्ट पे वापस फ्रेश ब्रेकआउट है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन देखने को मिली है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। 138 से 144 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 120 का स्टॉप लॉस रखेंगे। शानदार, आपके स्टॉक का चुनाव तो बहुत ही शानदार है। कपड़े कपड़े लेते का इंतजाम हो गया क्योंकि शादी से आए हैं, अभी ज्वेलरी का इंतजाम कर लिया, शादी से आए हैं अभी, मतलब क्या बात है, पूरा माहौल उधर ही घूम रहा आपका, पूरा ध्यान राजेश भी वही है। 150 रुपए करवा रहे हैं कल्याण को और रेमंड भी कल से ही चल रहा है, उसमें भी 8% की तेजी। लेकिन एक बार बाजार का जायजा दोबारा ले लेते हैं। तीनों स्टॉक्स सामने भी करवा लीजिए, गाड़ी वाड़ी